भाई कैसी लगी फिल्म शिवाय? अच्छी है एकदम, मस्त जबरदस्त एक्शन मूवी, एक्शन मूवी है और एकदम क्या बोलते हो फैमिली मूवी और फैमिली मूवी एंटरटेनमेंट मूवी। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं तो 5 to 5 दे दूँ। 5 to 5 देखने नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे अभी। पहले शिवाय क्यों चलिए? एक्शन था, मस्त होगा। वो ट्रेलर इतना अच्छा दे दिया कि हम को देखने जाना ही पड़ा। हाँ क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छी फिल्म लगी। और अजय देवगन का जो अभी पिछले सिंघम और काम करके आया उससे बहुत ज़्यादा बेटर। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं तो पास के पास में ऊपर देख के आऊँ और अभी बोला क्योंकि मैं इंडस्ट्री जुड़ा हुआ हूँ और क्योंकि बहुत सारी जो छोटे छोटे बड़े बड़े लोग छोटी छोटी गलती कर देते हैं वो भी इसमें उनको कहीं देखने ही नहीं। ऑसम, स्पेशली अजय सर। ऑफकोर्स 5/5। ऑसम लगी मुझे, अरिजीत सिंह दरखास्त है, डेडली फीमेल सॉन्ग जो बच्चे के लिए गाया, ऑसम है सर। और ऐ दिल मुश्किल देखने जाएंगे इधर? हां हां जरूर। ओके तो मुझे लगता है कि शिवाय का नाम। ओके एंड आप क्या कहना चाहेंगे सर, कैसी लगी फिल्म आपको? एक नाइस फिल्म। कितने स्टार देना चाहेंगे फिल्म? 5/5। अजय देवगन की अगर आपकी बात करिए तो कैसी लगी स्टोरी वाइज? अगर बात करिए तो क्या कहना? स्टोरी वाइज तो ऑसम मूवी, इंडिया में आज तक ऐसा पिक्चर बना नहीं थी। तो ऐ दिल मुश्किल देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हां सर अभी देखना ही है, वो भी अभी वही। हाउ इज द फिल्म? बहुत अच्छी मूवी थी। ओके तो कितने स्टार देना चाहेंगे फिल्म? 5/5 स्टार देना चाहिए। अगर काम की बात करिए तो अजय देवगन का काम कैसा लगा? बहुत अच्छी लगी अजय देवगन की काम। How was the film, sir? कैसी लगी फिल्म आपको? The film was very good. A lot of action, as usual. And Ajay's first movie as a director, done very well. And the hero, I mean, the other girl is good, okay. But out of what I would say is, Ajay is carrying the movie by himself. So expectation जितनी थी उतना आपको मिल सकता? Yes, definitely yes. More. I would give 4 stars. Okay, and songs के अगर music की बात करिए तो music आपको कितना attack करेगा? See, there's only one song which is really good in that. लगता है आपको कि मतलब ऐ दिल मुश्किल से ज़्यादा collection करेगी शिवम? I have not seen either, but this action lovers will see this movie better than either, definitely. बहुत अच्छा लगा भाई फिल्म देख के और बहुत दिल खुश हो गया बहुत दिन बाद। मैंने तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट कटाया अपना, एक दिन पहले ही कटा लिया था, मुझे पता था कि हाउसफुल होने वाला है। अगर अजय देवगन की अगर बात करिए तो कैसा लगा उनका काम और बाकी जो बच्चे? बहुत बढ़िया काम किया अजय देवगन ने, बहुत बढ़िया काम किया। पहली बार मतलब कि उसने ऐसा फिल्म दिया जिसमें वो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद का ही सब चीज़ें, मतलब प्रोडक्शन भी सब चीज उन्हीं का, बहुत अच्छा लगा। एक्शन कितना अच्छा लगा आपको फिल्म में एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग VFX यूज किए गए तो क्या कहना? बहुत बढ़िया, ये अजय देवगन ने बहुत दिन बाद फिल्म दिया मगर उसमें VFX बोले तो और फिर एक्शन, ये तो एकदम हॉलीवुड स्टाइल में एक्शन था। अगर फिल्म की अगर बात करें तो इमोशन लगी और एक्शन? एक्शन एक्शन और ये एडवेंचरस फिल्म। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 5 देना चाहूंगा। फिल्म का म्यूजिक कैसा लगा आपको, कोई गाना अगर याद हो अगर गुनगुनाना चाहे? फिल्म का तो एक ही गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में, दरखास्त। फिर से देखना चाहेंगे आपको? हाँ अब कल टाइम मिला तो अभी काम पे जाने वाले हैं। छुट्टी नहीं? छुट्टी नहीं है भाई, एकदम काम में बिजी रहते हैं। ऐ दिल मुश्किल देखने जाएंगे इसके बाद? मैं टिकट बुक करके रखा हूँ 4:30 का, 4:20 का शो। शिवाय ज़्यादा कमाएगी ऐ दिल मुश्किल? मुझे लगता है कि देखिए सब अपने जगह पे अलग अलग है क्योंकि एक्शन अलग और ये रोमांस अलग, तो सब अलग अलग अपना कमाएगी। बहुत अच्छी थी मूवी, मुझे अजय देवगन की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। वैसे भी मुझे एक्शन मूवीज़ बहुत पसंद है, मैं बहुत एडवेंचरस हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी और एक्शन मूवी आगे देखना चाहूँ, तो इसलिए मुझे शिवाय बहुत अच्छी लगी। ओके लोग कह रहे हैं यार कि अजय देवगन की इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो आपको कैसा लगता है? वैसे मुझे अजय देवगन की एक्टिंग बिल्कुल नहीं पसंद, बट हाँ बहुत अच्छी, काफ़ी एक्टिंग अच्छी की है इसमें, उसकी बॉडी बहुत अच्छी दिखाई है, सो हाँ अच्छी थी उसकी एक्टिंग। ओके अगर स्टार की बात करें तो कितने स्टार देंगे? 3.5। सॉन्ग्स? सॉरी सॉन्ग्स के म्यूजिक की बात करो? सॉन्ग काफ़ी अच्छे थे, मेरा फेवरेट है अरिजीत सिंह और उसमें उसका सॉन्ग है, सो मुझे काफ़ी सॉन्ग्स उसके अच्छे लगे। थैंक यू।